हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल दर्शना ब्लॉग में। मैं आज सरसों पालक और बथुआ का साग बनाने वाली हूँ, बिल्कुल यूपी और बिहार के स्टाइल में। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो आप देखिए मैं कैसे साग बनाती हूँ। ये देखिए, ये पालक है, पालक का साग है ये। इसको हम पहले, ये जो जड़ वाला हिस्सा है इसको हम ऐसे चाकू से काट देंगे और इसको हम ऐसे रखेंगे। तो हम सारे पालक को जो है ऐसे ही इसका जड़ वाला हिस्सा हम निकाल देंगे। अगर डंडी मोटी है तो मोटी डंडी को भी काट करके निकाल देंगे और ये पत्ता जो है इसको रख लेंगे। तो ऐसे हम काट लेंगे। ये देखिए, हमने सारे पालक का डंठल जो है तोड़ लिया है। अब इसको हम हटा देंगे। अब सरसों का जो साग है उसको तोड़ेंगे। ये देखिए, ये सरसों का साग है। हमारे यहाँ साग जो है किलो से नहीं बल्कि ये गड्ढे से मिलता है। इस टाइप का गड्ढा बना रहता है और इस टाइप से ही मिलता है, किलो पे नहीं मिलता। तो हम अब सरसों का साग को साफ करेंगे। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, इसका भी जो है जड़ वाला हिस्सा निकाल देंगे और पत्ते को साफ देख लेंगे कि पत्ता जो पीला वाला हो, चाहे से कीड़े खाए हो, तो उसको हम निकाल देंगे। ये देखिए, जो पत्ते खराब हैं उसको हम निकाल देंगे और जड़ का हिस्सा जो है ऐसे काट देंगे। इसी तरह से हम सारे सरसों के साग को साफ कर लेंगे। सरसों का साग हम तीन गड्ढा ले लिए थे, पालक भी हमारा तीन गड्ढा है और बथुआ का भी जो है हमने तीन गड्ढा ले लिया है। साग हमारा लगभग बराबर बराबर तीनों है। ये देखिए, हमने सारे सरसों के साग को अच्छे से तोड़ लिया है साफ करके। अब हम बथुआ के साग को तोड़ेंगे। ये देखिए, ये बथुआ का साग है। अब इसको हम तोड़ेंगे बिल्कुल उसी तरह से, जो नीचे का जो डंठल है इसको हम तोड़ के निकाल देंगे और ये जो मुलायम वाला हिस्सा है इसको हम रख लेंगे। ऐसे हम तोड़ते जाएंगे। जिसका डंठल हार्ड हो तो आप देख लें कि कहाँ तक हार्ड है, कहाँ तक मुलायम है। तो जहां तक मुलायम है वहां से तोड़ लें और हार्ड वाला हिस्सा जो है उसको फेंक दें। ऐसे करके हम सारा जो है तोड़ लेंगे। मेरा बथुआ जो है मुलायम है तो मैं इसका सिर्फ नीचे का जड़ वाला हिस्सा तोड़ के इसमें रख दूंगी। तो इसी तरह हम सारा बथुआ जो है तोड़ लेंगे। ये देखिए, हमने बथुआ भी तोड़ लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से धोएंगे। ये देखिए, फिर जब पानी साफ हो जाएगा तो हम इसको निकाल के साफ बर्तन में रखते जाएंगे। ये देखिए, सरसों और पालक है, इसको भी हम वैसे ही धो लेंगे। जब तक इसकी मिट्टी ना निकल जाए तब तक हम इसको धोते रहेंगे। ये देखिए, हमने साग को अच्छी तरह से धो लिया है। साग को धुलने के बाद इसको अब हम कुकर में डालेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और उसके बाद हम इसमें जो साग हमने धुल के रखा है इसको हम इसमें डाल देंगे। डाल देंगे। साग हमारा ज्यादा है, कुकर में आएगा नहीं, तो हम इसको चूल्हा ऑन करके रख देंगे। धीरे धीरे साग हमारा गलने लगेगा। जैसे जैसे गलते जाएगा वैसे वैसे हम इसमें साग डालते जाएंगे। साग डालने के बाद इसको हम ढक देंगे। थोड़ी देर में साग हमारा गल जाएगा, फिर हम जो बाकी का साग है इसको हम डालेंगे। ये देखिए, साग हमारा गल गया है।
इसमें हम पानी थोड़ा सा इसलिए डालते हैं, कभी कभी क्या होता है ना साग जो है कुकर के तले में लग जाता है, इसलिए 4 चम्मच हम पानी डाल देते हैं। देखिए साग हमारा गल गया है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और उसके बाद जो बाकी का साग है इसको हम इसमें डालते जाएंगे। साग हमारा एक बार में आया नहीं है तो थोड़ा साग डाल करके फिर वो गल जाएगा, तो उसके बाद जो बचा हुआ साग है उसको हम डालते जाएंगे। अगर बड़ा बर्तन है आपके पास तो साग आपका एक ही बार में आ जाएगा, अगर छोटा कुकर है तो फिर आपको वही थोड़ा थोड़ा करके ही डालना पड़ेगा। ये देखिए हमने डाल दिया, इसको हम ढक देंगे, फिर थोड़ा सा साग और बचा है हमारा उसको भी हम ऐसे ही गलने के बाद डाल देंगे। ये देखिए साग हमारा गल गया है, बाकी का जो साग है इसको भी हम डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने पूरा साग जो है इसमें डाल दिया है, जैसे जैसे गलता गया है वैसे वैसे हम साग जो है इसमें डालते गए हैं। ये मेरा पूरा साग इसमें आ गया, अब हम लगा देंगे कुकर का ढक्कन और करेंगे 2 सीटी का इंतजार। ये देखिए 2 सीटी आ गई, अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। कुकर का स्टीम हम नहीं निकालेंगे, इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम कुकर को खोलेंगे। ये देखिए सारा स्टीम निकल गया है, इसका ढक्कन हम खोलेंगे। साग को हम देख लेंगे कि साग हमारा पका है कि नहीं पका है। साग हमारा पक चुका है बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे। इसको हम किसी प्लेट थाली कोई भी बर्तन में इसको हम निकाल लेंगे पानी छान करके। मैं थाली में निकाल रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। ये देखिए इसको ऐसे निकाल देंगे और इसको ठंडा करेंगे। इसका जो पानी निकला है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इससे हम आटा लगा लेंगे। आटा लगा करके पूरी पराठा या फिर रोटी जो बनाना होगा हम बना लेंगे। देखिए हम सारे साग को निकाल लिए हैं, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, अब इसको हम ठंडा करेंगे। जब तक हमारा साग ठंडा हो रहा है तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए हमें 10-12 लहसुन की कलियां चाहिए और लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 5 से 6 हमने हरी मिर्च लिया है। अब इसको हम काटेंगे ऐसे, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखिए लहसुन हमने काट लिया है, अब हम अदरक को काटेंगे। ये देखिए हमने अदरक को भी बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है, अब हम हरी मिर्च को काटेंगे, इसको भी हम बारीक बारीक ही काटेंगे। ये देखिए हरी मिर्च भी हमने काट लिया है, अब साग हमारा ठंडा हो गया है, अब इसको हम मिक्सर में पीसेंगे। इसको हम मिक्सर में डालेंगे, हल्का हल्का गर्म है उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम पीसेंगे। इसको हम फिर बर्तन में निकाल लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बिल्कुल
अब वो एकदम पीस के एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे रखना है जैसे कि थोड़ा सा दिखे कि यहाँ कुछ है। इसको बहुत ज्यादा पीस करके एकदम पतला ना करें। ये देखिए सारे साग को हमने पीस लिया है। हम इसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसको गरम करेंगे। कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है, इसमें हम घी डाल देंगे। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में जो साग बनती है ना उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो इसलिए मैं घी में बनाऊंगी। दो चम्मच हमने घी ले लिया है, इसको अच्छी तरह से गरम करेंगे। आप चाहे तो सरसों का तेल या फिर रिफाइंड किसी में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर घी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। घी हमारा गरम हो गया है, इसमें हम डाल देंगे सरसों। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हींग, सरसों हमारा चटक गया है, इसमें पहले हम डालेंगे अदरक, ऐसे चला लेंगे। फिर डालेंगे लहसुन, कुछ सेकंड चलाएंगे, फिर इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्च, इसको गोल्डन होने तक ऐसे चलाते रहेंगे। ये लहसुन अदरक मिर्चा तीनों भून चुका है, आप देख पा रहे होंगे लहसुन हमारा लाल हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे जो पीसे हैं साग, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसको हम चलाएंगे। 2 मिनट भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे, ये मक्के का आटा है, इसको हमने 2 बड़ा चम्मच ले लिया है। इसको हम ऐसे ऐसे करके डालेंगे, एक जगह न डालिएगा नहीं तो गांठ बन जाएगा। ऐसे ऐसे करके फैला फैला के हम इसको डाल देंगे। फिर इसको हम चलाएंगे। अगर आपके पास मक्के का आटा ना हो तो आप चना का बेसन, बेसन को भून करके तब इसमें डालें, या फिर चने की सत्तू हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास ये मक्के का था आटा, तो हम मक्के का डाल दिए हैं। आप चना भी डाल सकते हैं, चने की सत्तू या फिर बेसन। बेसन हमेशा भून के डालें, कच्चा ना डालें तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसको हम तकरीबन 3-4 मिनट और ऐसे भूनेंगे। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे तो ये नीचे से ना लगने लगता है, तो इसको कंटिन्यू हम चलाते रहें। और आंच को ज़्यादा हाई पे ना रखें, मीडियम आंच पे ही बनाएं। उस समय हमने नमक डाला था, लेकिन नमक हमने थोड़ा ही डाला था, तो थोड़ा सा नमक हम और डालेंगे। और इसको चलाएंगे। बिहार में जो साग बनती है वो ज़्यादा गीली नहीं रहती है, थोड़ा ऐसे सूखी सी रहती है, कड़ी सी, तो इसको हम थोड़ा सा और सुखाएंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट भुनने के बाद साग हमारा तैयार हो चुका है। अब हम कर देंगे चूल्हे को ऑफ, अब इसको ठंडा होने देंगे। साग हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो आप एक बार ज़रूर बनाएं इसे। ये देखिए इसको हम एक
बर्तन में निकाल के आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया बना है। आप एक बार जरूर बनाएं, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ लहसुन अदरक और मिर्चे से तड़का लगानी है। थोड़ा सा भूनने के बाद साग हमारा तैयार। तो हमारी रेसिपी कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।